नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास RRB NTPC की आगामी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम RRB NTPC की गत परीक्षाओं में बार बार आने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आप कितना तैयार हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। R.K. नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? जी बिल्कुल सही सुना आपने, R.K. नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया, टू लीव्स एंड ए बर्ड, इस पुस्तक के लेखक जो है वो R.K. नारायण नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि R.K. नारायण की प्रमुख कृतियां वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, गॉड्स डिमंस एंड अदर्स, द वर्ड ऑफ नागराज, इस तरीके की कृतियां इनकी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सी खेल शख्सियत ने एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? जी बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने एक ही खेल प्रतियोगिता में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, माइकल फिलिप्स। दोस्तों, स्विमिंग पूल के जादूगर कहलाते हैं माइकल फिलिप्स। इन्होंने रियो ओलंपिक 2018 में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल जीतने के साथ साथ एक ही प्रतिस्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक खिताब जीते थे। इसके अलावा इनसे पहले दो और व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 पदक जीते हैं लगातार, और उनके नाम क्या है? चक्का फेंक में अल ओल्टर और लंबी कूद में कार्ल लुइस लगातार 4 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया, उनके इस कार्य का क्या नाम था? तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और इस प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, मैनहट्टन परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? बिल्कुल सही आपने सुना है, इनमें से कौन एक नेविगेशन नौका परिवहन सैटेलाइट है? तो बिल्कुल सही, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है, IRNSS, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने, इनमें से कौन सी खेल स्पर्धा को पहली बार आगामी वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा खेल है, गेम है, जो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया जाएगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, कराटे को ओलंपिक 2020 में सबसे पहली बार ओलंपिक गेम में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2020 में, और ये आयोजन कहां करेंगे, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में 5 नए खेल शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। और वो खेल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहला तो आप कराटे जानते ही हैं, उसके अलावा बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को भी ओलंपिक 2020 में पहली बार शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जल जीव। तो बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है वो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने, इनमें से किस बैंक के बोर्ड में भारतीय महिला बैंक की स्वयं में विलय को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 20 मार्च 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक SBI में विलय को मंजूरी दे दी गई थी। यहां से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? जी दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक
तटीय गांव पे स्थित है? तो कौन से गांव जिले में स्थित है महाराष्ट्र के? रायगढ़। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, किस चीज से चारों तरफ से घिरा? जी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, यह चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करती है, जिसके तहत कितने निर्वाचित सदस्य और कितने निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? जी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया है, ऑप्शन ए 550 तथा, तो यहां से दोस्तों आपका सही क्या हो जाएगा? जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन में इनमें से किस शख्सियत की याद में एक डाक टिकट जारी किया है? जी दोस्तों जल्दी बताइए। दोस्तों 2 अक्टूबर 2016, ये तारीख याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की कर्नाटक संगीत कलाकार दिवंगत MS सुब्बुलक्ष्मी के सम्मान में उनकी 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया, जिसकी कीमत कितनी थी? 79.83 रुपीज। ठीक है, तो यहां से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। टेलेक्स का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पीछे भी ये कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन यहां से बी आ रहा है, तो आपका सही उत्तर यहां से क्या हो जाएगा? टेली प्रिंटर एक्सचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना की जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा मापा जाता है, और UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1965। दोस्तों UNDP की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अच्छा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए प्रयुक्त घटक कौन कौन से होते हैं? तो उसमें 5 मुख्य घटक हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और प्राप्तियां। तो यहां से उत्तर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, नागालैंड का नाम आपने सुना है, तो नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक जो महोत्सव है उसका नाम है हार्निबल महोत्सव। बिल्कुल सही, तो यहां से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्निबल महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और कहां स्थित है? भारत में। तो दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है? तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या थी? मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन, मतलब 0 टॉलरेंस फॉर द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं, कंप्यूटर से भी हम कर लेते हैं, मोबाइल फोन से भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये तीनों उत्तर गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पहाड़ियां विश्व के प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत हैं। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1772 मीटर। बिल्कुल सही सुना आपने, 1772 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबद्ध है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी, ये शब्द आपने सुना होगा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष जो है वो पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड एयरशिप जिसका नाम है एयरलैंडर 10, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड एयरशिप एयरलैंडर 10, जिसकी प्रथम टेस्ट फ्लाइट अगस्त 2016 में संपन्न हुआ, का डिजाइन तथा निर्माण कहाँ हुआ है? जी दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड एयरशिप एयरलैंडर 10 17 अगस्त 2016 को ब्रिटेन से उड़ान भरा था। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने। 2016 का कबड्डी विश्व कप के विजेता थे, और कौन सी कबड्डी जो मानक स्टाइल है, स्टैंडर्ड स्टाइल की कबड्डी है, उस खेल के विजेता कौन थे? तो दोस्तों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य हुआ था, और जिसके फाइनल में कौन दो टीमें खेली थी? भारत और ईरान, और जीता किसने था? भारत ने। तो बिल्कुल सही, खुश हो जाइए, यहाँ पे भारत जीत गया है और ईरान को हराकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीरा। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, जिन्होंने भी उत्तर ए बताया है, कोयला जो है वो धात्विक खनिज नहीं है, बाकी तीनों जो है वो धात्विक खनिज हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने। मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, यह कहाँ स्थित है? पेरू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? द सेल आउट कौन सी बुक है? द सेल आउट बुक के लेखक नामक पुस्तक के मैन बुकर प्राइज के 2016 के विजेता कौन है? तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी पॉल बीटी बताया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया, फेरी क्वीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे, इसे पूर्व में क्या कहते थे? तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया है, इसे कहते थे हम इरविन इरविन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है? जी बिल्कुल सही सुना आपने, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है? तो दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन होते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके सामने। इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? बिल्कुल सही, PSLV जो है वो इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर है। और दोस्तों, PSLV की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? तो बिल्कुल सही, जो भी पाल बता रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान के परिपेक्ष में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असंगत है? तो सबसे पहला क्या दे रखा है? यह है भारत की नियमावली पुस्तक है, तो बिल्कुल सही है, इसे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, यह भी सही है, मूलभूत राजनैतिक मूल्य को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, ये तीनों तो एक जैसे ही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहां से सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और यह एक वैधानिक दस्तावेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने।
भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, और जो किस प्रदेश में? उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1982, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंध में सहकारिता प्रदान करता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। जी, भारत में कपास की फसल उगाई जाती है, तो आपको बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है। तो बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, काली मृदा में, काली मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। जॉर्ज लेमात्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? जी बिल्कुल सही सुना आपने, जॉर्ज लेमात्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिग बैंग सिद्धांत से। और यह सिद्धांत किसके ऊपर? विस्फोटक के ऊपर, महाविस्फोटक के ऊपर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न, लाइनेक्स उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि लाइनेक्स किस चीज का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही, जो भी बता रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न, ये आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में यह स्थित है। तो यहां से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, सुंदरबन विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और दोस्तों यह लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। भारतीय रेल की अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा किस देश में किस शहर में उपलब्ध नहीं है? जी दोस्तों जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा शहर है जहां पर भारतीय रेल की अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो बिल्कुल सही, भारतीय रेलवे की अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भारतीय रेलवे पर्यटक सेवा कोलकाता, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, आगरा, बेंगलोर, जोधपुर, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में उपलब्ध है। तो यहां से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों तेजस जो है वो एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, और यह है भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक इंजन वाला एक सीट वाला लड़ाकू विमान है। और यह विमान कितने किलो का होता है दोस्तों? यह विमान जो है इसका वजन कितना है? 6,500 किलो, ठीक है। और इसकी अगर हम गति की बात करें तो इसकी गति है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह है, और इसकी प्रथम उड़ान 4 जनवरी 2001 में की गई थी। तो यहां से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेजस जो है वो एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, जो भी बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं माइनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस से संबंधित है? प्रकीर्णन से, परावर्तन से, परिक्षेपण से या फिर अपवर्तन से? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जी दोस्तों जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, प्रकीर्णन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि खेल से काफी बार कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको कौन खेल खेला जाता है, खिलाड़ी कौन है, उसमें किसने पदक जीते हैं, क्या क्या किया है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही, ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं, माइकल बेवन। माइकल बेवन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है, और वो कौन थे? वो ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे जो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। और बाकी के तीनों कौन है? जाहिर सी बात है बाकी के तीनों कौन होंगे? गोल्फ खिलाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है? तो यहां से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, स्वायत्त निकाय है जिसके अंदर आता है। तो प्रसार भारती के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी है। और दोस्तों प्रकाश भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। चलिए अगला प्रश्न, ये आपके सामने। यूथ सेट है क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए यूथ सेट जो है वो क्या है? तो दोस्तों यूथ सेट एक उपग्रह है, यह रूस अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के बीच एक समझौते के आधार पर विकसित शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है। बिल्कुल सही, तो यहां से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा फुकुओका पुरस्कार किस देश से संबंधित है? जापान से, ठीक है? तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, ए आर रहमान, ठीक है? चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए इन्हें 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों जल्दी से बताइए कि किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए वर्ष 2016 में सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए विश्वेश्वर नंदी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य का उत्सव यह रण उत्सव है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, जो भी गुजरात बता रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके सामने। निम्न में परिपोषित पोषण की एक नई पद्धति नहीं है, ठीक है? निम्न में कौन जो है परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन सी बताया है, स्वचालित जो है वो परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने। भोजन नली की दीवारों के संकुचन तथा प्रसारण को क्या कौन सी गति कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सी गति कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्टिक जो है वो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।